मेरा नाम डॉक्टर स्वाति मित्तल है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से हम हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं रिगार्डिंग बच्चों के बिहेवियरल इशू में। उसी को लेके आज मैं बहुत कॉमन वर्ड यूज करने जा रही हूँ, जो एक टाइप का सिम्टम है किसी डिसऑर्डर का, उसका नाम है जिद्दी। हमने देखा है मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनता, बदतमीज हो गया। बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है क्या क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में। जैसे फीवर को सिर्फ फीवर नहीं बोला जाता, जब फीवर होता है तो हम सोचते हैं कि बच्चों को वायरल तो नहीं हो गया, बच्चों को डेंगू तो नहीं हो गया, या बच्चे को कोई और फीवर या मलेरिया तो नहीं हो गया। ऐसे जब कोई बिहेवियरल इशू आता है तो हमारे दिमाग में 1, 2, 3, 4 डिसऑर्डर्स पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको 7 डिसऑर्डर्स होती हूँ जो टीनेज और बच्चे फंसते हैं। पहला होता है लर्निंग डिसऑर्डर, दूसरा होता है कंडक्ट डिसऑर्डर, तीसरा होता है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, फोर्थ होता है डिप्रेशन, फिफ्थ होता है एनजाइटी, सिक्स होता है बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सेवेंथ होता है ADHD। मुझे लगता है आप लोग को पता होना चाहिए कि 7 डिसऑर्डर में बच्चों में मिलते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया जिद्दी होना, आपको पता है जिद्दी एक टाइप का डिसऑर्डर हो, एक टाइप का सिम्टम है जिसको उस डिसऑर्डर का नाम है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा अनवांटेड या आर्ग्यूमेंट करना पसंद करता है, या बच्चे को लड़ाई करता है सिबलिंग से, क्लासमेट से, या वो अनविलिंगली सॉरी मांगता है या उसे कोई शेमफुलनेस नहीं होती, या वो हर अथॉरिटी से लड़ाई करना चाहता है, या उसे मजा आता है दूसरों को परेशान करने में या डिसहारमनी पहुंचाने में। इसमें और भी सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि उसे कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है, उसे लोग से दोस्ती करने में दिक्कत होती है, उसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। बट मेरा क्वेश्चन होता है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? पेरेंट्स आते हैं, नहीं ये बदतमीज है, इसको ने इसकी ना बचपन में पिटाई नहीं हुई, इसको तमीज नहीं सिखाई। अरे नहीं, ये आजकल के बच्चे नहीं, ये बच्चे वो हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको भी नहीं पता वो कहाँ फंस रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो फैमिली में बहुत लड़ाई रहती है, या बच्चा किसी एब्यूज या किसी एडिक्शन में पड़ गया है, या बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो गया है, या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है ऐसी किसी बिहेवियर को लेके। ये बेसिकली टीन एज में पाया जाता है और ये लड़कों में पाया जाता है, मोर कॉमन इन बॉयज। मुझे लगता है ओपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर को कोई नहीं जानता, बिकॉज इसका दूसरा नाम लोग बोल देते हैं, ये तो बदतमीज बच्चा है, इसको बिल्कुल तमीज नहीं है, इसको पता ही नहीं है सोसाइटी में कैसे रहा जाता है या बड़े को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, बस उसको टैग लगा देते हैं बदतमीज, सब लोग उसे इग्नोर करते हैं, सब लोग उससे बात नहीं करते। बट आपको पता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये बच्चे कहाँ जाके फंसते हैं? ये बच्चे एकेडमिकली बहुत वीक हो जाते हैं, ये बच्चे अलूफ हो जाते हैं, ये बच्चे किसी से बात नहीं करते, मे बी ये समटाइम चोरी भी करना शुरू कर दें या फिर कोई बड़े बड़े डिसहार्मनी काम करना शुरू कर दें। इन्हीं बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने आपको बोला अगर कोई ज़िद्दी है या कोई बात नहीं करता तो उसकी हेल्प करिए, वो क्यों नहीं कर रहा हम उस पर काम करिए। इस डिसऑर्डर में अगर आपको वार्निंग साइन पता होने चाहिए तो आपको मैं 3 वार्निंग साइन करती हूँ। जब बच्चा अनविलिंगली आपको हर्ट करे, पेरेंट्स को हर्ट करे, बहन भाई को हर्ट करे, या उसे कोई शर्मिंदगी ना हो, उसे कोई गिल्ट फीलिंग ना हो। 3rd, उसे कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रही है, उसे दोस्त बनाने में दिक्कत हो रही है। इन वार्निंग साइन पे काम करिए, अपने बच्चे को बेशरम या जिद्दी या बदतमीज का टैग ना दे। इसका ट्रीटमेंट में हम लोग थेरेपीज देते हैं, CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। पीयर थेरेपी होती है जिसमें हम उनको बॉन्ड बनाना सिखाते हैं। फैमिली थेरेपी होती है जिसमें हम लोग पेरेंट्स का और उनका बॉन्ड बनाते हैं, उनका रिलेशनशिप डेवलप करते हैं।
और चौथी होती है मेडिसिन। सम टाइम जब हम बहुत जिद्दी दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा, तो हमारे बहुत न्यूरॉन वेस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा होता, या बच्चे के साथ कोई भी कुछ भी समझाता है बच्चा नहीं समझता। तो उस टाइम थोड़ी मेडिसिन दे के हम बच्चे को काम करते हैं। बहुत ज़रूरी है अपने हर बच्चे अपने बच्चे की बिहेवियर पॉइंट्स या बिहेवियर उसको नोट करना। अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो उसके लिए हम बैठे हैं। ध्यान दीजिए अपने बच्चे को, बच्चे को प्रायोरिटी देना शुरू करिए। वो अनकंडीशनल लव चाहते हैं आपसे, प्लीज़ दीजिए। थैंक यू।